आरा में दो पत्रकारों की हत्या के पश्चात स्थानीय बक्सर पत्रकार संघ द्वारा एक मौन जुलूस निकाला गया जो अम्बेडकर चौक से शुरू हुआ और स्थानीय आदर्श थाने चौक पर समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में सभी पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को निश्चय ही पत्रकारों की सुरक्षा देने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसी निर्मम घटनाएं होती है। बक्सर के पत्रकारों द्वारा अपनी मर्माहतपूर्ण यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया और उनके द्वारा मौन जुलूस आयोजित किया गया। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसी घटनाओं पर रोकने के लिए निश्चय ही बक्सर के जिला प्रशासन को भी सजग रहना चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय पत्रकारों ने आह्वान किया कि उनके परिजनों को मुआवजा की मांग जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार से करनी चाहिए ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके और उन्हें शोक सभा भी आयोजित की जा सके। पत्रकारों द्वारा निकाले गए इस मौन जुलूस में स्थानीय छात्र नेता के सहित अन्य दल के सभी लोग उपस्थित थे। उनके द्वारा एक सुर में इस कार्य को भर्त्सना किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि यह घटना पूरी तरह बर्बरतापूर्ण है और इसमें राज्य सरकार को एक टीम गठित कर और इस मामले की जांच करने, इसके साथ ही स्पीडी ट्रायल कर दोषियों को सजा दिलाने की आवश्यकता है ताकि पत्रकारिता चल सके। और निंदा की जा रही है और हम लोगों ने कल कैंडल जला करके शोक भी व्यक्त किया है और इस तरह के कुकृत्यों को कभी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार में संसाधन की सरकार चल रही है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली यह सरकार कभी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करेगी और न अपराधियों के साथ कोई किसी तरह की मतलब कि खिलाई दी जाएगी और अपराधी जहां कहीं भी छिपे हों, चाहे जो भी हों अपराधी, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और एसपीडी ट्रायल करके, मैं मांग करता हूं कि एसपीडी ट्रायल चला करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनके परिजनों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनके परिजनों को कोई आर्थिक सहायता वगैरह अगर सरकार में संभव हो तो नौकरी वगैरह की भी मांग की जा सकती है, नौकरी वगैरह दिलाई जा सकती है और आर्थिक सहायता तो देना अनिवार्य है। ये तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय विषय है। देश के चौथे स्तंभ आज जो पत्रकारिता पत्रकार है वो सुरक्षित नहीं है और पत्रकारों को जिस प्रकार से वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं और वैसे पत्रकारों की अगर हत्या होती है तो कहीं ना कहीं यह पूरे समाज के लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि सच्चाई को पत्रकार ही जनमानस तक पहुंचाते हैं, अधिकारियों तक भी पहुंचाते हैं और वैसे पत्रकारों की अगर हत्या होती है तो यह बिल्कुल ही बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय विषय है। और आरा में हुए पत्रकार साथी को श्रद्धांजलि नमन अर्पित करते हुए मैं यह जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो हत्या में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है लेकिन उचित न्याय और उनके परिवार को, पत्रकार के परिवार को उचित मुआवजा भी मिले और इस प्रकार के फिर आगे घटना न घटे इसके लिए जिला प्रशासन को भी एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है कि पत्रकार भी सुरक्षित रहे ताकि सच को यहाँ के पत्रकार भी सामने ला सके। जिला का परिचय? रामजी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। इस मौन जुलूस में नगर परिषद के वार्ड परिषद सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद बबन सिंह द्वारा भी कहा गया कि ऐसी घटना निश्चय ही निंदनीय है। जो ये कहते हैं कि पत्रकार चाटकार हैं और पैसे और धन बल के प्रभाव में आते हैं तो आखिर हत्याएं क्यों हो रही है? यह हमारा चौथा स्तंभ है और इसको जब पैसे और पद के प्रभाव में नहीं आ रहा है तो इसकी हत्या हो रही है और हत्या होने के बाद सरकार या जो कहते हैं ये बात कि ये बिक जाते हैं पत्रकार, वो कहाँ हैं? उनके परिवार के प्रति उनकी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? मेरा कहना है कि नौजवान पत्रकार जो सच्चाई हमेशा निकाल रहे हैं और उनकी हत्या हो रही है, न सरकार इनकी सुध ले रही है, न वो कहने वाले वो जनसे जो कहते हैं कि पत्रकार बिकाऊ हैं वो कहाँ हैं? मैं बस इन्हीं बातों के साथ ये कहना चाहता हूँ उनके परिवार को यथाशीघ्र पूरा न्याय और प्लस सहायता की जाए। जी परिचय आपका? मैं उप चेयरमैन नगर परिषद बक्सर। देखिए, लोकतंत्र में पत्रकारों की जो हत्या हो रही है ये बिल्कुल काला अध्याय की तरह है। कलमकारों की कलम को दबाने की किसी भी तरह की साजिश और कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और जिस तरह से आरा में दो पत्रकारों की हत्या हुई, इसके अलावे मध्य प्रदेश के भिंड में पत्रकार की हत्या हुई, तो लगातार जिस तरह की टेंडेंसी बनती जा रही है पत्रकारों के खिलाफ, कुछ चंद भ्रष्टाचारियों और के खिलाफ के तरफ से, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम मांग करते हैं कि जो पत्रकार मारे गए हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और हर संभव प्रयास किया जाए। और इसके साथ साथ बक्सर पत्रकार संघ यह मांग करता है कि जब तक पत्रकार कानून सुरक्षा जब तक लागू नहीं किया जाता है, तब तक पत्रकार संघ इसका विरोध करता रहेगा। दिनों के दौरान देश में दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई। आरा में हमारे दैनिक भास्कर के साथी नवीन निश्चल और मध्य प्रदेश के भिंड में संजीव की हत्या ट्रक से कुचल कर दी गई। इसी के विरोध में पत्रकारों ने आज मौन जुलूस निकाल करके संदेश दिया है कि क्या सच बोलना भी अब इस देश में गुनाह हो गया है। हम अपने उन्हीं साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज एकजुट हुए थे और हमारी आगे की योजना है कि हम उन्हें कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकें। हमारे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो जंगल राज है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पत्रकार के रूप में जब चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, जब आप लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम आम जनता का सुरक्षा का क्या लेना देना है। कोई सरकार यहाँ पे बक्सर में हत्याएं 27 इस महीने में हो चुकी, लेकिन क्या यहाँ का विधि व्यवस्था है? मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ, SP साहब अभी जमे हुए, तो बिहार को देखने वाला भैया कोई नहीं। धन्यवाद।